सरों का। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। सीतामढ़ी में नूपुर शर्मा का वीडियो देखने पर चाकू मारा, सरेआम चाकू से 6 बार हमला किया, नूपुर का नाम हटाया, तब पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। शिवसेना के संसदीय दल में भी 2 फाड़ की संभावना, संजय राउत बोले सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। सेना बहाली में जाति प्रमाण पत्र मांगे पर विपक्ष नाराज, आप सांसद ने पूछा अग्निवीर बनाना है या जातिवीर। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मिला धमकी भरा पत्र, लिखा तूने बड़ी गुस्ताखी की, अब 13 नंबर है। भगत सिंह को आतंकवादी कहने से पीछे नहीं हट रहे सिमरनजीत सिंह, मान सिखों के लिए चाहते हैं अलग देश। वायुसेना में तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन बनेंगे, नया एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस और लेजर ट्राइडेड बमों से लैस होगा। सत्रह अगस्त से भाजपा का मिशन 400+। केंद्रीय मंत्री जीती सीटों पर हर महीने और हारी सीटों पर हर 15 दिन में दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में 4 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदेगी सरकार, 28 जुलाई से शुरू होगी खरीदारी, अभी हर जिले में 2 गौठानों में व्यवस्था। देश में 200 करोड़ कोरोना टीके लगे, 18 महीने पहले शुरू हुआ था वैक्सीनेशन, नागपुर में एक निजी स्कूल के 38 बच्चे कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में बारिश के कारण 3 जिलों में बाढ़ से बेहाल, अमरावती में घर गिरने से 2 की मौत, अब तक 107 की मौत। चीन बॉर्डर पर काम कर रहे 19 मजदूर लापता, 1 हफ्ते पहले असम के लिए निकले थे, अरुणाचल की कुमी नदी में डूबने से मौत की आशंका। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, लश्कर के 3 आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश, 7 टेररिस्ट अरेस्ट। यशवंत सिन्हा को घर में ही लगा सबसे बड़ा झटका, द्रौपदी मुर्मू को 75% वोट मिलने का दावा। पूर्वोत्तर में दिल्ली से 3 गुना बड़ा जंगल साफ, 20 साल में अरुणाचल के जंगल सबसे तेजी से घटे, त्रिपुरा असम के वनों पर भी आफत। महाराष्ट्र के सीएम से बच्ची का सवाल, शिंदे अंकल आपकी तरह मैं भी गुवाहाटी जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करूं तो क्या मैं सीएम बन सकती हूं। एटा में दलित समुदाय ने दबंगों पर लगाया आरोप, मंदिर और आश्रम पर किया कब्जा, शिव मंदिर में पूजा न करने देने का लगाया आरोप। ऑफिस में बैठे तहसील के लिपिक ने ली घूस, 500 के नोट पकड़े और चारों तरफ देखा, फिर दराज में रख दिए, डीएम ने जांच बैठाई। तिलोकपुर चौकी में पैसे गिनते दरोगा का वीडियो वायरल, एसपी ने लाइन हाजिर कर दिए जांच के आदेश, भूमि विवाद में घूस लेने का आरोप। कन्नौज बबाल को लेकर सीएम से मिली छिब्रमऊ विधायक, मौके से हालातों से कराया अवगत, कहा ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने। कानपुर सेंट्रल पर मानसिक विक्षिप्त का हाई वोल्टेज ड्रामा,
किया बंद, घंटे खड़ी रही स्वर्ण शताब्दी। गाजियाबाद में सड़क हादसे में कांवड़िए की मौत, ओवरटेक करने के चक्कर में टकराई बाइक, साथी की हालत गंभीर। झांसी मऊ रानीपुर हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक डिवाइडर फांद कर ट्रैक्टर से टकराया, ड्राइवर की मौत, मृतक के शरीर के दो टुकड़े हुए। भदोई में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर युवती से किया था दुष्कर्म, पीड़िता ने दर्ज कराया था मुकदमा। बांदा में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, घरेलू कलह और आर्थिक तंगी से परेशान था युवक, पत्नी से किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। एटा में यूपी रोडवेज की बस पलटी, एक यात्री की घटनास्थल पर मौत, 14 यात्री घायल, कानपुर से मेरठ जा रही थी बस। कृषि मंत्री की कानून व्यवस्था पर खरी खरी बोले, सावन में कांवड़ियों को दिक्कत ना हो पाए, यूपी को क्राइम फ्री बनाना है। जौनपुर में पति ने पत्नी को पेचकस से गोद कर हत्या की, एक सप्ताह पहले पैदा हुई थी बेटी, अवैध संबंध के शक में करता था पिटाई। छह करोड़ के गांजा के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, गैस टैंकर में छुपाकर उड़ीसा से मथुरा जा रहे थे, एसटीएफ ने झांसी में पकड़ा। बलिया में शराब के साथ हिस्ट्री शीट गिरफ्तार, नरई थाने में दर्ज 18 मुकदमे में वांटेड था, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोचा। ससुर को मृत दिखाकर बहू ने कराया बैनामा, रामपुर डीएमएसपी से देवर ने की शिकायत, कहा पिताजी जिंदा है। इटावा में अनाज पर टैक्स लगाए जाने का विरोध, उद्योग व्यापार मंडल ने वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन, कहा आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। सोनभद्र में सड़क हादसे में भाई बहन समेत भांजे की मौत, अस्पताल से छुट्टी कराकर लौट रहे थे घर, ग्रामीणों ने लगाया जाम। फिरोजाबाद में ससुराल में दामाद का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने साथ चलने से किया मना तो बाइक में लगा दिया। गोरखपुर महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड को लेकर गर्भवती का हंगामा, तबादले से चरमराई व्यवस्था। कांवड़ियों की सेवा में जुटी खाकी, मुजफ्फरनगर में पुलिस शिव भक्तों के घावों पर लगा रही मरहम, नेताओं ने नाश्ते के लिए लगाए शिविर। प्रख्यात समाज सेवी डॉक्टर अरविंद गोयल ने दान की सारी संपत्ति, गरीब की शिक्षा और चिकित्सा के लिए पूरी संपत्ति राज्य सरकार को दान करने की घोषणा। मैनपुरी में किसान की हत्या में तीन लोगों को उम्र कैद, 25,000 का जुर्माना भी लगाया, गोली मारकर लूट की थी। शहर का जायजा लेने साइकिल से निकले एसएसपी, मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था देखा, सादे कपड़ों में होने से नहीं पहचान सके पुलिसकर्मी। भाजयुमो के नगर अध्यक्ष को एसओजी ने हिरासत में लिया, भाजपा कार्यकर्ता ने थाने को घेरा और हंगामा किया, भाजयुमो नेता को पुलिस ने छोड़ा। इटावा में महिला की हत्या, घर पर ही खून से लथपथ मिला शव, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप।
सोनू मॉल विवाद पर योगी ने कहा मॉल को राजनीतिक अड्डा बनाने की साजिश, सड़कों पर प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं। अमरोहा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 लाख के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, एक सिपाही भी हुआ घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती। योगी टू सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई, मथुरा पुलिस ने 19 अपराधियों की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। मिर्जापुर में एसपी ने 230 लोगों की सुनी शिकायतें, एसपी संतोष बोले आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे पुलिसकर्मी। बागपत में कावड़ सुरक्षा स्क्वाड का हुआ गठन, 18 बाइक सवार पुलिसकर्मी करेंगे कावड़ मार्गों की सुरक्षा, एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चंपावत में बच्चों को लेने जा रही स्कूल बस किरोड़ा नाले में बही, बाल बाल बचे चालक परिचालक। कोटद्वार के दुगड्डा में बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही महिला पर गुलदार ने किया हमला, मौके पर हुई मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे केदारनाथ से दर्शन कर लौट रहे महाराष्ट्र के यात्रियों की बस पलटी, एक की मौत। हरक के बाद हरीश का पलटवार, बोले मेरा दिल बहुत बड़ा है इसलिए वो कांग्रेस में है। भारी बारिश के कारण कैलाश मानसरोवर मार्ग मालपा और मांगती में बंद, नदियों का जलस्तर भी बढ़ा। अपहरण के शक में बवाल, लोगों ने जाम लगाकर फूके टायर, 40 के खिलाफ केस दर्ज, बच्चा पहुंच गया अपने घर। बस अड्डे में नो एंट्री से विवाद, गुरुग्राम में अड्डे से उत्तराखंड की रोडवेज बसों को निकाला, 3 घंटे चला ड्रामा। उत्तराखंड में पत्नी की बेरहमी से मौत, बच्चों के साथ रात में सोई थी मां, बेदर्दी से पति ने घोट दिया गला, फिर किया कबूलनामा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रूट सहित कई जगह पर, कई जिलों पर भारी बारिश की चेतावनी, सरकारी मशीनरी भी अलर्ट पर। ट्रैकिंग को गए 9 महीने से लापता गाइड का शव मिला, पश्चिम बंगाल के ट्रैकर गए थे ग्लेशियर 5, हुई मौत। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में 15 अगस्त के बाद लागू होगी नई नीति, नया पाठ्यक्रम तैयार, विश्वविद्यालय कार्य परिषद में मिलेगी स्वीकृति। चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी में बढ़ी वायुसेना की गतिविधि, विमान ने किया कई बार लैंडिंग टेक ऑफ। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी, सीएम धामी ने अधिकारियों को तैयार रहने के दिए निर्देश। कुमाऊं की केमू का सफर महंगा होने से यात्रियों को लगा झटका, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ का किराया 204 से बढ़कर 250 रुपए हो गया। उत्तराखंड में बिजनौर के युवक पर रुद्रपुर की किशोरी को भगाने का आरोप, तलाश में जुटी पुलिस। श्रीलंका में सियासी संग्राम, विपक्षी नेता प्रेम दास ने राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से नाम वापस लिया, दुल्लास अल्हाप्रम को समर्थन ऐलान।
इमरान खान के आगे नहीं झुकेंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, उस समय से पहले नहीं देंगे, नहीं होने देंगे देश में चुनाव। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार विदेशी दौरे पर पुतिन, अमेरिकी दुश्मन ईरान से हजारों घातक ड्रोन खरीदेगा रूस। ब्रिटेन में 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, मौसम वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन बताई वजह। ओमिक्रॉन के BA.5 वेरिएंट पर सवार कोरोना की नई लहर, यूरोप के अस्पतालों में बढ़ रहे मामले। दो मंजिला इमारत के पार जाती समुद्री लहरें, अमेरिका के हवाई द्वीप की घटना, एक्सपर्ट्स ने कहा यह आने वाली तबाही की चेतावनी। रूस ने यूक्रेन पर 150 से अधिक मिसाइलें दागी, जेलेंस्की बोले हम रूसी सेना को करारा जवाब दे रहे। बांग्लादेश पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख जनरल पांडे का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत, पीएम शेख हसीना से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान के सिंधु नदी में नाव पलटने से 19 महिलाओं की मौत, शादी की पार्टी से लौट रहे थे, शवों को तलाश रहे गोताखोर। ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में ऋषि सुनक सबसे आगे, मैदान में बचे केवल 4 प्रतिद्वंदी। रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया, पहली बार 80 के पार हुआ रुपया, डॉलर के मुकाबले 4 पैसे कमजोर होकर 80.01 पर पहुंचा। महंगे हो सकते हैं दाल चावल, धान के रकबे में बीते साल के मुकाबले 31% तक की कमी। जीएसटी पर वित्त मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण, आटा चावल और दाल के 25 किलो से ज्यादा के पैकेट पर नहीं लगेगा जीएसटी। फ्लिपकार्ट की कंपनी पर साइबर अटैक, क्लियर टिप, ग्राहकों को ईमेल के जरिए दी जानकारी, यूजर्स को पासवर्ड रीसेट करने की सलाह। क्रिप्टो पर बैन चाहता है आरबीआई, वित्त मंत्री बोले क्रिप्टो का बॉर्डरलेस नेचर, इसके रेगुलेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत। सोना चांदी के दामों में तेजी, मजबूत होकर फिर 51,000 के करीब पहुंचा पार, चांदी भी 807 रुपए महंगी हुई। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो लॉन्च, नए सेफ्टी फीचर के तौर पर डुअल एयरबैग्स मिलेंगे, 25.30 किलोमीटर की माइलेज देगी, कीमत 4.25 लाख रुपए से शुरू। एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण की ईडी हिरासत, 4 दिन और बढ़ी, 22 को फिर पेशी। महज खबरें देखकर नहीं रोक सकते किसी एयरलाइंस का परिचालन, स्पाइस जेट के खिलाफ याचिका खारिज। एक अरब से ज्यादा शिबा एनू टोकन बर्न हुए 7 दिनों में, और तेज होगा ये सिलसिला। पाक स्पिनर शाह ने दिलाई शेन वॉन की याद, लेग स्पिन, लेग स्टंप से बाहर बॉल फेंकी, ऑफ स्टंप में लगी, वॉन ने इसी तरह लिया था गैटिंग का विकेट। 2019 वर्ल्ड कप में बेन स्ट्रोक्स ने लिया था असाधारण कैच, जिसे नहीं भूल पाएगा विश्व क्रिकेट।
नरेंद्र बत्रा ने एफआईएच अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता भी छोड़ दी। सिंगापुर ओपन चैंपियन सिंधु कमाई में भी सबसे आगे, साइना से दोगुनी है उनकी नेटवर्थ। नेहवाल के पास 7 ब्रांड तो सिंधु के पास 13। केएल राहुल ने किया दुनिया की सबसे तेज महिला गेंदबाज का सामना, वीडियो में विंडीज को हराने का प्लान दिखा। भारतीय दौरे से पहले वेस्टइंडीज के 2 खिलाड़ियों का संन्यास, धाकड़ बल्लेबाज लैंडल सिमंस के बाद विकेटकीपर दिनेश रामदीन ने किया ऐलान। शूटिंग वर्ल्ड कप में मेहराज खान ने रचा इतिहास, स्कट में देश को पहली बार गोल्ड दिलाया, 2016 में जीत चुके हैं सिल्वर मेडल। बेन स्टोक्स का वनडे क्रिकेट से संन्यास, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे आखिरी मैच, इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन बना चुके। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, 22 जुलाई को खेला जाना है पहला मुकाबला, जेसन होल्डर की हुई टीम में वापसी। तीसरे वनडे से पहले डांस कर कैमरा में कैद हुए विराट कोहली, वीडियो देखकर हंस पड़ेंगे आप। पोन्नियिन सेल्वन के डायरेक्टर की तबीयत बिगड़ी, मणि रत्नम को हुआ कोरोना, चेन्नई के अस्पताल में हुए एडमिट। रक्षाबंधन का डन कर दो सॉन्ग हुआ रिलीज, माता की चौकी में गाना गाते नजर आए अक्षय कुमार, हिमेश रेशमिया ने किया कंपोज। विक्रम भट्ट ने किया एक्स गर्लफ्रेंड सुष्मिता सेन का सपोर्ट, बोले सुश गोल्ड डिगर नहीं बल्कि लव डिगर है। इमरजेंसी बीटीएस वीडियो आया सामने, कंगना रनौत ने शेयर किया इमरजेंसी के सेट का बीटीएस वीडियो, कहा हर दिन एक सपना सच होने जैसा है। अल्लू अर्जुन जल्द करेंगे बॉलीवुड डेब्यू, बोले हिंदी में एक्टिंग मेरे लिए आसान नहीं है लेकिन सही मौका मिलने पर मैं जरूर करूंगा। दिल ढूंढता है सिंगर भूपिंदर सिंह का 82 साल की उम्र में निधन, पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। रिया का ग्लैमरस लुक आया सामने, रिया चक्रवर्ती ने पर्पल साड़ी में शेयर किया वीडियो, कैप्शन में लिखा देखो मगर प्यार से। अजय देवगन ने शेयर किया मजेदार वीडियो, काजोल को ट्रोल कर मनाया वर्ल्ड लिस्निंग डे, वीडियो हुआ वायरल। हाईकोर्ट पहुंचे पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी, 2 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील, पटियाला जेल में सिद्धू के साथ बंद। किंग खान का फोकस स्पाई थ्रिलर फिल्म्स पर, पठान के रिलीज के रिस्पॉन्स के बाद शाहरुख खान साइन करेंगे अगली फिल्म। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।